दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इच्छाधारी नाग के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों से बात करता है, जो इतना शरीफ लोगों को दिखाई देता है, बल्कि कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें इस नाग से बात करने का अनोखा अनुभव मिला। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के 70 किलोमीटर दूर एक कुनिया गांव है, जहां के निवासी महेश जी महाराज ने नाग देवता के बेहद ही करीब होने का और उनसे बातचीत का अनुभव किया। दोस्तों, जयपुर से 70 किलोमीटर दूर इस जगह पर करीब 120 साल पहले सुनारों का गांव हुआ करता था। समय के साथ गांव उजड़ा और लोग भी यहां से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ते गए। इसी गांव में कुआं हुआ करता था, जो अब मिट्टी से भर चुका है। ये कुआं शिव मंदिर के पास स्थित था। उसी के पास ही दोस्तों वह इच्छाधारी नाग रहता था, जो इंसानों की आवाज में बोलता है, जिसके होने की कई बार मंदिर के पुजारियों ने अनुभूति करी है। दरअसल जिस इंसान के साथ ये अनोखी घटना घटी थी, उसने उस नाग को देखने के लिए उस जगह करीब 10 दिन बिताए। वह व्यक्ति थे महेश जी, जो बताते हैं कि उस दिन नाग पंचमी का दिन था। तो मैंने सोचा कि क्या पता आज मुझे उस नाग के दर्शन हो जाए, इसलिए मैं दौड़कर पास की दुकान से दूध लेकर आया। साथ ही पूजा के लिए अगरबत्ती व अन्य सामान भी लेता आया, और उन्हीं सभी सामानों को मैंने शिव मंदिर पर रख दिया और खुद पहले स्नान करने चला गया, ताकि अच्छे स्वस्थ कपड़े पहनकर मैं पूजा कर सकूं। परंतु मंदिर के पुजारी ने उस दूध की चाय बना ली। नहाने के बाद जब मैं आया तो मैंने देखा कि दूध तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो मैंने दूध की जगह एक बर्तन में पानी मिला लिया और पूजा का सामान लेकर कुआं के पास चला गया। वहां पहुंचकर मैंने अगरबत्ती जलाई और पास ही पानी से भरा लोटा रखकर हाथ जोड़कर नागदेव का ध्यान करते हुए बोला कि हे नागदेव, आपके लिए लाया था दूध, पर महाराज जी ने पी लिया। कृपया इस पानी को दूध समझकर ग्रहण करें। ऐसा बोलकर वापस गया। शाम को ही नाग देवता मंदिर में पहुंच गए और पुजारी के ऊपर टूट पड़े। अब नाग देवता को देखकर ये समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें तो ये लगने लगा कि सांप आज उनको डस लेगा। तभी पुजारी के बच्चे और पुजारी नाग देवता के आगे गिड़गिड़ाने लगे। पुजारी को छोड़ दो नाग देवता, उनसे जो गलती हुई है उन्हें माफ कर दो। परंतु नाग देवता की फुहार से ऐसा लग रहा था कि वह आज पुजारी को मार कर ही रहेंगे। तब पुजारी के छोटे बेटे ने नाग देवता से कहा कि आप भले ही मुझे माफ कर दें, पर मेरे पिताजी को छोड़ दें। तब जाकर नाग देवता का गुस्सा शांत हुआ। पुजारी ने कहा कि अपना गुस्सा शांत करें और मुझे माफ करने की कृपा करें। अब से मैं हर नाग पंचमी पर आपको दूध अवश्य पिलाऊंगा। तब से यहाँ लोग नाग पंचमी पर आते हैं और उसी स्थान पर दूध चढ़ाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि नाग पंचमी के दिन इच्छाधारी नाग भक्तों से बात भी करते हैं। यहाँ जो भी भक्त दूध की कटोरी को भरकर नाग देवता को चढ़ाता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। और ऐसी ही इंटरेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।